कि आपको पता है 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिकन जीपीएस डेटा मांगा था, बट अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को वो डेटा शेयर करने से मना कर दिया और वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा एंड ये मिशन की जिम्मेदारी दी गई ISRO मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो बोलते हैं। और आपको पता है इसरो अगर कोई चीज दिल पे लगा ले तो वो कैसा काम करता है। और इसरो ने डेवलप किया फ्रॉम 2008 टू 2017 के एक जर्नी में साउथ एशिया का बेस्ट लोकल रीजनल नेविगेशन सिस्टम और उसका नाम है नेविक, जिससे अब इंडिया को कभी भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी भी हॉस्टाइल या वॉरलाइक सिचुएशन किसी और कंट्री या फिर जीपीएस डेटा पे। ऐसे ही और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं इस वीडियो में, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। इंडिया की सबसे प्राउड ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बजट को लेके कंपेयर करता हूँ इसरो को और नासा से या फिर अदर स्पेस एजेंसी से, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो कंपैरिजन सुनने के बाद आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा आप पैसे से टैलेंट नहीं खरीद सकते। जैसे कि नासा का एनुअल बजट होता है $18 बिलियन का, ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बजट है $7 बिलियन का, रशिया के रॉसकॉस्मोस का बजट है $3 बिलियन का एंड चाइना का बजट है $3 बिलियन का। बट इसरो का जो बजट है दैट इज लेस देन $1.6 बिलियन, जो कि 10वां हिस्सा है नासा के टोटल बजट का। अगर मैं एप्पल जैसी कंपनी से इसको कंपेयर करूंगा तो आपको जान के हैरानी होगी कि एप्पल का जो टोटल कैश रिजर्व है ना, अगर इतना कैश रिजर्व इसरो के पास होगा तो इसरो कैन फंड इटसेल्फ फॉर 169 ईयर्स। इसरो वर्ल्ड में कॉस्ट इफेक्टिवनेस में बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आपने सबने सुना ही होगा मंगलयान मिशन। मंगलयान मिशन में इसरो की रॉकेट की इतनी कैपेसिटी या रेंज नहीं थी कि अर्थ से वो डायरेक्टली मार्स के ऑर्बिट पे पहुंच जाए। पर आपको तो पता ही होगा हम इंडियंस के पास एक टेक्नोलॉजी हमेशा रहती है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है जुगाड़। इसरो ने 3 वीक्स तक अपने 6 ऑर्बिटल मैनुअर करके बाय द हेल्प ऑफ सेम फ्यूल मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस का ध्यान रखते हुए मार्स ऑर्बिट तक वो पहुंचा एंड ये मशीन को उसने सक्सेसफुल किया। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एक फैक्ट ये है कि इसरो के रॉकेट को अर्थ से मार्स तक जाने में सिर्फ ₹7 per kilometer पे गया। इससे ज्यादा भाड़ा ना ओला उबर ले लेते हैं, ओला उबर। जब ये मिशन सक्सेसफुल हुआ उसके बाद इसरो के चेयरमैन ने एक बहुत ही फेमस कोट दिया था, दैट सॉल्विंग प्रॉब्लम विद इंजीनियरिंग सॉल्यूशन नॉट बाय मनी। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि जो टोटल कॉस्ट था पूरे मिशन का मंगलयान का, जो हॉलीवुड की एक मूवी है फेमस मूवी ग्रेविटी एंड मार्शल मूवी, उन दोनों से कम था। अगर मैं नासा में टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो उसमें 18,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें से 34% एम्प्लॉय इंडियन ओरिजिन के। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी में ना इंडिया को बीट नहीं कर सकता। इसरो के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन जो इसरो को और भी स्पेशल बनाता है, इसरो ने एक ही सिंगल मिशन में मैक्सिमम सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इसरो ने 104 सैटेलाइट इन सिंगल मिशन भेजे। और इसरो के नाम पे इतने रिकॉर्ड हैं कि अगर मैं रिकॉर्ड से गिनाता रहूं तो ये पूरी वीडियो खत्म ही नहीं होगी। एंड इसरो इतना तोड़ू ऑर्गेनाइजेशन है, इतना तोड़ू ऑर्गेनाइजेशन है कि वो रिकॉर्ड तोड़ता ही रहेगा और आगे भी बहुत तोड़ेगा। अगर मैं इसरो को SpaceX से कंपेयर करता हूं तो SpaceX एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इलॉन मस्क ने फाउंड किया था और उनका भी एक मेन टारगेट ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि SpaceX के मिशन भी इसरो से 3 times ज्यादा कॉस्ट करते हैं, इवन दो उनके पास एक टेक्नोलॉजी है इसको हम कहते हैं रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, जो वो अभी यूज करते हैं। इसरो का अब नेक्स्ट प्लान 2022 तक ये टेक्नोलॉजी को अचीव करने का है। तो आप सोचो अगर इसरो ने रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को अचीव कर लिया तो इसरो को कोई भी कॉस्ट में बीट नहीं कर सकता। अगर इसरो को हम किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बजट या रिसोर्स वाइज कंपेयर करेंगे तो शायद इसरो को वो बीट कर सकते हैं, बट इसरो को एक चीज बहुत स्पेशल बनाती है, वो है उसका टैलेंट, जिसमें इसरो को कोई भी बीट नहीं कर सकता। इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाहता,
एंड अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और लोग डिमांड करते हैं कि इसरो को कैसे ज्वाइन करना है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे ही होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये अच्छी लगी और आपको लगता है कि इसरो सही में बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए बाय बाय।